नमस्कार। राज्यसभा के जिन सांसदों का कार्यकाल पूरा हो रहा है उनकी विदाई से पहले अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हो गए। चार सांसदों की विदाई से पहले पीएम मोदी की आंखों से आंसू छलक आए। विदा होने वाले सांसदों की भावुक प्रधानमंत्री मोदी ने जमकर तारीफ की। इस घटना पर कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने मोदी की तारीफ की और क्या कुछ कहा आप सुनिए। जब इस तरह से सदस्य विदा लेते हैं तो बड़ा भावुक क्षण होता है। सब सदस्य अपनी अपनी कुकुन के जो अनुभव होते हैं, जो अटैचमेंट संसद होता है उसको बयान करते हैं और निश्चित रूप से एक बिछड़ाव तो होते ही लोगों का जो रिटायर होते हैं, तो वो एक ऐसा माहौल हमेशा होता है कि बड़ा भावुक क्षण होता है। और सब बहुत अच्छा बोले, प्रधानमंत्री जी भी गुलाम नबी जी के लिए अच्छे बोले, अन्य सदस्यों के लिए अच्छा बोले, तो एक भावुक क्षण का होता है। लेकिन सब जानते हैं कि संसद एक ऐसी चीज है कि जहाँ जो आते हैं उनको जाना भी पड़ता, फिर आना पड़ता, फिर जाना पड़ता ही। पार्टी को फिर उन्हें दोबारा भेजना चाहिए राज्यसभा, ऐसा लगता नहीं? ये तो चीजें पार्टी तय करती, पार्टी आई कमान अपने हिसाब से तय करता। इतने सालों से भेजा ना, दीप सिद्धू की सर गिरफ्तारी हो गई है, 26 बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, बड़ी देर में की, बहुत पहले हो जानी चाहिए कि गुलाम नबी जी के बाद इस पद को जो संभालेंगे उनको गुलाम नबी जी से मैच करने में बहुत दिक्कत पड़ेगी। क्योंकि गुलाम नबी जी अपने दल की चिंता करते थे लेकिन देश की और सदन की भी उतनी ही चिंता करते थे। ये छोटी बात नहीं है जी, ये बहुत बड़ी बात है। वरना अपोजिशन के लीडर के रूप में अपना दबदबा पैदा करना, ये सब मोह किसी को भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने सदन से, मैं शरद पवार जी को भी इसी कैटेगरी में रखता हूँ, वे सदन की और देश की चिंता को प्रायोरिटी देने वाले नेताओं में से रहे। गुलाम नबी जी ने बखूबी इस काम को निभाया है। मुझे याद है इस कोरोना काल में मैं एक फ्लोर लीडर्स की मीटिंग कर रहा था, तो उसी दिन गुलाम नबी जी का फोन आया कि मोदी जी ये तो ठीक है आप करते हैं, लेकिन आप एक काम कीजिए, सभी पार्टी लीडर्स की मीटिंग जरूर बुलाइए। मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने पार्टी लीडर्स के साथ, सभी पार्टी अध्यक्षों के साथ बैठने का मुझे सुझाव दिया और मैंने उस मीटिंग को किया भी, वो गुलाम नबी जी के सुझाव पर किया था। और मुझे कहने में, यानी इस प्रकार का संपर्क और उसका मूल कारण है कि उनको दोनों तरफ का अनुभव रहा है, सत्ता दल का भी और विपक्ष का। 28 साल कार्यकाल ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। बहुत साल पहले की बात है, शायद अटल जी की सरकार होगी, मुझे याद नहीं रहा, मैं यहाँ सदन में किसी काम से आया था, मैं तो तब राजनीति में नहीं था, ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं था, मैं संगठन का काम करता था। तो मैं और गुलाम नबी जी ऐसे ही लॉबी में गप्पे मार रहे थे, अब जैसा पत्रकारों का स्वभाव रहता है बराबर नज़र लगाए बैठे थे कि ये दोनों का बेल कैसे हो सकता है। हम हंसी खुशी से बातें कर रहे थे तो हम जैसे ही निकले तो पत्रकारों ने घेर लिया। गुलाम नबी जी ने बहुत बढ़िया जवाब दिया था, वो जवाब हम लोगों के लिए बहुत काम आने वाला है। उन्होंने कहा भाई देखिए, आप लोग हमको अखबारों में या टीवी माध्यमों में या पब्लिक मीटिंग में लड़ते झगड़ के देखते हो, लेकिन सचमुच में इस छत के नीचे हम जैसे एक परिवार का वातावरण कहीं नहीं होता है। इतनी हमारी आत्मीयता होती है, इतने सुख दुख होते हैं, ये जो स्पिरिट है वो स्पिरिट अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। गुलाम नबी जी का एक शौक शायद बहुत कम लोगों को पता होगा, और कभी उनके साथ बैठोगे तो बताएंगे, हम सरकारी बंगलों में रहते हैं तो बंगले की दीवारें, अपना सोफा सेट, उसी के आसपास हमारा दिमाग रहता है, लेकिन गुलाम नबी जी ने उस बंगले में जो बगीचा बनाया है, यानी एक प्रकार से कश्मीर की घाटी की याद दिला दे, ऐसा बगीचा बनाया, और इसका उनको गर्व भी है, वो समय देते हैं, नई नई चीज़ें जोड़ते हैं, और हर बार जब कंपटीशन होती है
तो उनका बगलो नंबर वन ले आता है। यारे अपने सरकारी जगह को भी कितने प्यार से संभालना, यानी बिल्कुल मन से उन्होंने इसको संभाला है। जब आप मुख्यमंत्री थे, मैं भी एक राज्य का मुख्यमंत्री के नाते काम करता था, हमारी बहुत गहरी निकटता रही उस कार्यक्रम में। शायद ही कोई ऐसी घटना नहीं मिल सकती है कि जबकि हम दोनों के बीच में कोई संपर्क सेतु ना रहा। एक बार गुजरात के यात्री, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जाने वाले टूरिस्ट में गुजरात बहुत बड़ा नंबर रहता है, और टेररिस्टों ने पर हमला कर दिया, करीब 8 लोग शायद मारे गए। सबसे पहले गुलाम नबी जी का मुझे फोन आया, और वो फोन सिर्फ सूचना देने का नहीं था, उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। फोन पे उस समय प्रणब मुखर्जी साहब डिफेंस मिनिस्टर थे, मैंने उनको फोन किया। मैंने कहा साहब अगर फोर्स का हवाई जहाज मिल जाए डेड बॉडी को लाने के लिए, रात देर हो गई थी। प्रणब मुखर्जी साहब ने कहा आप चिंता मत कीजिए, मैं करता हूँ व्यवस्था। लेकिन रात में फिर गुलाम नबी जी का फोन आया, वे एयरपोर्ट थे, एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना मेरे लिए बड़ा भावुक पल था। दूसरे दिन सुबह फोन आया कि मोदी जी सब लोग पहुंच गए, इसलिए एक मित्र के रूप में
गुलाम नबी जी को घटना और अनुभव के आधार पर मैं आदर करता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी सौम्यता, उनकी नम्रता, इस देश के लिए कुछ कर गुजरने की उनकी कामना, वो कभी उनको चैन से बैठने नहीं देगी। और मुझे विश्वास है कि जो भी दायित्व जहां भी वो संभालेंगे, वे जरूर वैल्यू एडिशन करेंगे, कंट्रीब्यूशन करेंगे और देश उनसे लाभान्वित होगा, ये हमारा पक्का विश्वास है। मैं फिर एक बार उनकी सेवाओं के लिए आदरपूर्वक धन्यवाद करता हूं और व्यक्तिगत रूप से भी मेरा उनसे आग्रह रहेगा कि मन से मत मानो कि अब आप इस सदन में नहीं हो, आप के लिए मेरे द्वार हमेशा खुले, इन चार माननीय सदस्यों के लिए खुले हैं, आपके विचार, आपके सुझाव, क्योंकि देश में सब बहुत जरूरी होता है, यह अनुभव बहुत काम आता है, मुझे मिलता रहेगा, ये अपेक्षा मैं रखता ही रहूंगा, आपको मैं निवृत्त होने नहीं दूंगा। फिर एक बार बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। श्री शरद पवार जी।